सो गाइज, अभी न्यूज आई है जिसमें बताया जा रहा है कि आर्मेनिया नाम की एक कंट्री है जिसने जो है वो ज्वाइन कर लिया है आर्टेमिस अकॉर्ड को। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, इसको हम लोग जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्मेनिया कंट्री जो है वो है कहाँ पर। तो ये मैप की तरफ जो है वो आप देखें, और यहाँ पर आपको इंडिया जो है हमारा प्यारा सा जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ से अरेबियन सी पर आप कूदें, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो अरेबियन सी पर जैसे ही आप जो है वो जाएंगे, तो वहां से फिर आपको ओमान कंट्री पर जो है उतरना पड़ेगा। फिर ओमान के बाद आप सऊदी अरेबिया की तरफ चले जाएं, फिर आप इराक की तरफ चले जाएं, फिर आप ईरान में जाएं, और ईरान के जस्ट आप ऊपर देखेंगे बाउंड्री जो है वो शेयर कर रही है अजरबैजान के बगल में आर्मेनिया नाम की कंट्री। तो ये आपको आर्मेनिया जो है वो कंट्री जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसकी मैप में लोकेशन जो है वो थोड़ी सी आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हो कि एक लैंड लॉक कंट्री हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इसके बगल में अजरबैजान है, उसके ऊपर जॉर्जिया आपको जो है वो नजर आ रहा है, इसके साइड में जो है वो आपको टर्की जो है वो नजर आ रही है। यस, तो ये है इसकी लोकेशन। यहाँ पर देखो एक ब्लैक सी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक कैस्पियन सी हम लोग को जो है वो नजर आती है, राइट। तो कैस्पियन सी, तो ये इसकी लोकेशन है। तो ये सब लोकेशन आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए, अब न्यूज में तो मैंने आपको बता दिया कि आर्मेनिया नाम की कंट्री ने अभी एक अकॉर्ड साइन किया है जिसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड। तो हम डिटेल में समझेंगे कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो है क्या। तो नोट्स बना के चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है या फिर एग्रीमेंट है। नॉन बाइंडिंग मतलब कि ये फोर्सफुली, मतलब ये नहीं करता कि आप, मतलब किसी कंट्री ने इसको साइन कर लिया, दैट डजंट मीन कि उसको जो है फोर्सफुली इस पर काम करना है, राइट। ये एक प्रकार का एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ चलो, काफी सारी कंट्रीज मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती है वो दूसरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ जो है ये एक एग्रीमेंट करती है, और ये एग्रीमेंट जो है वो आउटर स्पेस प्रोग्राम के लिए हमें देखने को मिलता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो स्पेस में जैसे दूसरे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और भी दूसरी कंट्रीज मिलकर जो है वो स्पेस में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स को जो है वो एक्सप्लोर करें, अलग अलग चीजों को जो है वो एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करें। तो ये अमेरिका का प्रोग्राम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिका टारगेट कर रही है कि 2026 में मून पर जो है वो भेजा जाएगा ह्यूमंस को फिर से, और ये अल्टीमेट गोल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा और भी काफी सारी प्लैनेट्स की बात की जा रही है, और 12 जून 2024 को हमें देखने को मिला कि आर्मेनिया ने ज्वाइन कर लिया है, और 43 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है इसने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जिसमें से 21 कंट्रीज जो है वो यूरोप की है, 8 एशिया की, 6 साउथ अमेरिका की, 3 नॉर्थ अमेरिका की, और 3 अफ्रीका की, और 2 ओशियाना की हमें देखने को मिल रही है। और नासा ने जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो ड्राफ्ट किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, और अकॉर्ड जो है वो एस्टैब्लिश करता है एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क की, आपस में कंट्री मिलकर जो है वो मून, मार्स और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि अलग अलग चीजें जो हम लोग को स्पेस में देखने को मिलती है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे मिलकर। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी जो थी 1967 की, उसी के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिलता है ये एग्रीमेंट, जिसका नाम है आर्टेमिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो बस ये फैक्ट आप छोटा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए और बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, यूएई, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, यूक्रेन भी है, न्यूजीलैंड भी है, ब्राजील भी है, इसराइल भी है, राइट। तो ऐसी कंट्रीज, यानी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज, फ्रांस, तो इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया, राइट, शेज रिपब्लिक, स्पेन, इक्वाडोर, इंडिया, इंडिया भी जो है वो इसका हिस्सा है। इंडिया ने 22 जून 2023 को जो है वो उसको ज्वाइन किया था, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, आर्टेमिस अकॉर्ड की सिग्नेटरी इंडिया भी है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी काफी सारी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में जो है वो जानकारी मिल गई होगी, और इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में उतना ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि नासा और यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पूरे दुनिया भर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर जो है वो करता है, अलग अलग प्लैनेट्स को जो है वो एक्सप्लोर करने पर काम करता है। और अभी इनका नेक्स्ट मिशन जो है वो है कि 2026 में मून पर जो है वो ह्यूमंस को जो है वो पहुंचाना है, क्लियर। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करिए, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है वो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्सेज को जो है वो जरूर ज्वाइन करें, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे रेगुलर लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के दौरान जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।